ये आर्मी की दौड़ नहीं है कि एक निश्चित समय पर रुक जाएगी। एक बार ना हुआ तो दोबारा प्रयास कर सकते हैं। ये जिंदगी की दौड़ है, इसमें मौका नहीं मिलता। यदि एक बार पीछे छूट गए तो हमेशा हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे और कोई भी सहारा देने वाला नहीं होगा। इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, सभी मतलब के होते हैं, चाहे अपने हो या पराए। यहाँ अपना भला अपने हाथ सोचना पड़ता है। अभी तो आराम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद यही आराम हराम में बदलने वाला है। तो क्यों ना हम पहले से ही सतर्क हो जाएं, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए क्यों ना हम पहले से ही कुछ कर लें। कबीर जी का एक दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करे गो कब। ये दोहा हर नई पीढ़ी को यह याद दिलाता है कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। कुछ लोग आलस करके बैठे रहते हैं, नए नए आइडियाज तो सोचते हैं पर आलस के चलते कुछ कर नहीं पाते। वो बैठे सोचते ही रहते हैं कि दूसरा वो काम कर जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जिंदगी की दौड़ है, यदि एक भी सेकंड मिस किया तो लाइफ बर्बाद। तो उठो और जागो और तब तक ना रुको जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल ना जाए। लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में कांटे बहुत आएंगे, रुकावटें बहुत आएंगी, लेकिन फोकस सिर्फ लक्ष्य पर होना चाहिए। जब शेर बाहर शिकार के लिए निकलता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, लेकिन शेर अपना रास्ता नहीं बदलता। यदि इन सब से आप डर गए और आलस्य आ गया तो जिंदगी भर दूसरों की बातें सुनना पड़ेगा। पेड़ पर तो हर आदमी चढ़ लेता है, तुम ऐसी जगह चढ़कर दिखाओ जहां चढ़ने से लोग सोचकर ही डरते हों। यदि औजार की तरह सार्प बनना है तो लोहे की तरह आग में तपना और हथौड़े की चोट को सहना सीखो। भीड़ में एक मत बनो, भीड़ में से एक बनो। शाम को सोने के बाद सुबह जाग कर अपनी दिनचर्या को तो हर आम आदमी चलाता है, तुम्हें तो कुछ अलग ही करना है। मिट्टी पर तो नाम आसानी से लिख जाएगा, लेकिन पत्थरों पर नाम लिखने में हाथों में छाले जरूर पड़ेंगे, पर वो कई सदियों तक लिखा रहेगा। यदि खुद की मंजिल प्राप्त करनी है तो खुद को कष्ट देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उठो और तब तक ना रुको जब तक तुम्हारी मंजिल ना मिल जाए। इस संसार में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है और पॉसिबल भी कुछ भी नहीं है, इसे पॉसिबल बनाना पड़ता है। यदि सीधी रास्ता चाहिए तो पत्थर को तोड़ना पड़ेगा। तो सोच क्या रहे हो, उठो और अपने काम पर लग जाओ। तुम्हें रोकने वाले तो बहुत होंगे पर गलती बताने वाला कोई नहीं होगा। अपनी गलती को ढूंढ कर अपने ही हाथों से सुधारना पड़ेगा।